बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर नगीना चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी जिस पर फर्जी नंबर प्लेट थी, पुलिस द्वारा जब गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को दौड़ा दिया, जिस पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने सिक्योरिटी की काली वर्दी पहन रखी थी, जिसको पुलिस ने धर दबोचा, पर चालक मौके से फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में अवैध शराब बरामद हुई, मार्केट में जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वही देखा जाए तो शराब माफिया इतने शातिर है कि पुलिस से बचने के लिए अब वो नए नए नुस्खे आजमाने लगे हैं। जैसे कि इस प्रकरण में देखा गया कि शराब माफिया ऐसी गाड़ियों का प्रयोग करने लगे हैं जिससे पुलिस को लगे कि बैंक की गाड़ी है। ये धामपुर पुलिस को कुछ सूचना थी, जिस पर धामपुर पुलिस ने सड़क पर चेकिंग की। उस समय एक सिक्योरिटी कैश वैन, जो कैश ट्रांजेक्शन की वैन होती है, उस पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। वो गाड़ी गई गुजरी, पुलिस के रुकने पर वो गाड़ी वहाँ से उन्होंने भगा ली। डायल 100 की गाड़ी के 3 आरक्षी है जिन्होंने पीछा किया, फिर बाद में उस गाड़ी को पकड़ा गया। इसमें करीब कुल लागत सहित 50 लाख रुपए के आसपास कीमत की शराब थी और इस गाड़ी को डिटेन किया गया। इसमें 5 अभियुक्त हैं, एक पकड़ा गया, बाकी को नामजद किया गया है। ये लोग सिक्योरिटी का गार्ड वैन में बैठाते थे, सिक्योरिटी की गाड़ी यूज करते थे ताकि ऐसा लगे कि उस गाड़ी में पैसे इस बैंक से उस बैंक जा रहे हैं, और उसमें शराब की तस्करी करते थे जो बाहर से ले आते थे, अंग्रेजी शराब। इनको अरेस्ट किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। अभी पूछताछ में जो नाम इन्होंने बताया उसमें एक मोंटी और 3-4 अन्य का भी नाम बताया है, उसको सत्यापित किया जा रहा है पुलिस द्वारा।